ही गांव में नगर निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती में शुक्रवार को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। वहीं निगम अधिकारियों ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित खोरी गांव में जबरदस्त तोड़फोड़ चल रही है। करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हुए थे। पुलिस के करीब 10 एसीपी, नगर निगम के 3 ज्वाइंट कमिश्नर और लगभग 2000 पुलिसकर्मी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। वहीं संयुक्त आयुक्त नगर निगम ने बताया कि नगर निगम की जेसीबी ने तोड़फोड़ शुरू की तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को तोड़ा गया है। तोड़फोड़ है, आज बड़ी तोड़फोड़ माना जा रहा है इसे। कौन इसका नेतृत्व कर रहा है और कितनी जमीन में आज तोड़फोड़ हो रही है? देखिए, ये जो कार्रवाई है, माननीय डीसी साहब, माननीय कमिश्नर साहब, एमसीएफ के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्लियर कट ऑर्डर है, जितनी भी एमसीएफ की लैंड है जो नोटिफाइड फॉरेस्ट जोन है उसको एनफोर्समेंट फ्री करवाया जाए, तो उस संदर्भ में ये कार्रवाई चल रही है। कितनी एकड़ जगह होगी लगभग? ये नगर निगम की 15 से 20 एकड़ ज़मीन है। 7-8 हज़ार यहाँ पर इलीगल फैमिली यूनिट्स हैं, तो इसको वैकेट किया जा रहा है। अभी लोग कुछ विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ तक तोड़ कर जाते हैं और आगे छोड़ देते हैं, मतलब कि ऐसा कोई विरोध नहीं है। कल भी हमने बड़े लेवल पर कार्रवाई करी, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। तो आज मतलब ये माना जाए कि नगर सरकारी ज़मीन पर जितने भी मकान बने हुए हैं आज सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। भी हमारी ड्राइव रहेगी आपके सामने रहेगी और काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्राइव रहेगी और इसको टोटल एनफोर्समेंट भी करवाया जाएगा। कितनी जेसीबी लग रही है, कितने अधिकारी हैं नगर निगम के? आप जॉइंट कमिश्नर हैं, आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। हमारे 8 डीटीएम स्टेट हैं, 10 जेसीबी मशीन हमारी लगी हुई है, 1500 के आसपास पुलिस फोर्स अवेलेबल है, 4 से 5 ACPs अवेलेबल हैं। तो काफ़ी बड़े लेवल पे हम कार्यवाही कर रहे हैं अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। ये माना जाए कि आज लगभग आप फारिग कर देंगे, सरकारी ज़मीन को खाली करवा देंगे, जितना भी आज के दिन कवर हो सकता है। अब बताइए, जो छोटा आज कोरोना का टाइम पे ऐसे हम लोगों ने उधार दिया, हमारा छोटा छोटा देखो कितना छोटा हमारे बच्चा है, हमारा बच्चा को आज बाहर लेके रोड धूप में बैठी हुई है, पानी तक नहीं है, क्या हम लोगों ने इनको बिगाड़ा? हम काम करके खा रहे हो, किसी का तो मदद नहीं मांगा, यही पे तो कोई मदद नहीं मिल रहा, जैसे तैसे करके बच्चा लेके छोटे छोटे हम जैसे जी रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसे हमारी तोड़ फोड़ के जा रही है। अब घर कैसे चलाएंगे फिर? अब कैसे चलाऊं? भीख मांगना पड़ेगा। सब तो खुश है ना, और आज हमको भिखारी बनाए, कल ये सब लोगों ने भीख मांगेगा, हमारी द्वार पर आएगा, ये जो सगल हमारे उधारा ये लोगों ने, कल ये लोग हमारे पर कटोरी लेके आएंगे। आज हमको धूप में हमारी बच्चों को ऐसे हालत में देखो, मंदिर तक नहीं छोड़ा, जो भगवान को नहीं मानता है वो इंसान है क्या, जानवर है क्या है यो? जब भगवान का मंदिर, हम लोगों ने सब गरीब लोग आज हम लोगों ने ऐसे किया, हमारे बच्चों को देखो कितना छोटा हमारी बच्चों है, आज पानी तक नहीं है हमारी बच्चों के पास। हम काम पे जाती है सुबह 6 बजे, सीआर पारोक में से सुन के आई, जब मेरे घर तोड़ रहा है वहाँ से मैं आई, आके हमारे बच्चों को ना खाना ना पीना सुबह ले से कुछ नहीं। क्या आपका भी घर थोड़ा क्या हुआ था? मेरे घर में कुछ नहीं, कल रात को एकदम से शाम के टाइम आया पुलिस फोर्स, आया कहते सारे हम तोड़ देंगे इसको, तो एकदम सुबह 8:30 बजे करे सारी तोड़ना चालू कर दिया बिल्कुल ही, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, माला सारा ऐसे कैसे, आधा सामान तो इसमें भी पड़ा है अभी भी, तो मतलब हटाने का मौका भी नहीं दिया? नहीं, मौका नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान जो हटाया बस, बाकी सब उसी में रह गया। अब कैसे गुजारा कैसे करेंगे अब? वो ऊपर वाला जाने में क्या बताऊँ, कैसे गुजारा करूँ, अब बच्चे छोटे हैं देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, कहाँ तक मैं क्या करूँ, मैंने बहुत कर्जा लिया था लेके, मैं अब कैसे करूँगी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो जो कुछ थी संबल थी बसर कुछ नहीं, मेरा नाम पूर्णिमा है। घर में कौन कौन है अभी, क्या हो सरकार ने कोई नोटिस वोटिस कुछ ऐसे नहीं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं आया नोटिस वगैरह, कुछ भी नहीं आया था,
सरकार को इधर का पहली बार टूटा था तभी स्टे लगा था। स्टे लगाने के लिए कोर्ट में केस डाल रखा, लेकिन 5 तारीख को उसका डेट था। कुछ भी नहीं ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।